हेलो ब्लेसेस, सो वेलकम. ऐसा लुक क्यों दिया मुझे? नहीं कि हमें नहीं पसंद है, मैं नहीं करती है. याद कर मैंने जब वेलकम बैक टू माई चैनल द गोल्डन ब्लेस एंड माई नेम इज सोनल राजपूत. सो आज हम फिर से निशा के घर आए, बट ये है वैभवी. हेलो निशा. यस, आज हम एक और वीडियो करने वाले हैं जिसमें मुझे टेस्ट करना है कि ये दोनों मुझे कितना जानते हैं. सो इट्स लाइक अ गेट टू नो मी वाला वीडियो. सो मैं इन लोगों को क्वेश्चंस पूछूंगी, मे बी 11 क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चन का इन लोगों को आंसर करना है. एंड जो लास्ट का एक क्वेश्चन होगा, 11th क्वेश्चन, वो एक बोनस राउंड होगा. तो फिर देखते हैं इन दोनों में से कौन मुझे ज्यादा जानता है और कौन नहीं. ओके, आर यू गाइस रेडी? तुम लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा? मैं ऑब्वियसली. देखते हैं, चलो देखते हैं. इन लोगों बारे में क्वेश्चंस पता नहीं है. ओके, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है माय मोस्ट अनोइंग ट्रेट और हैबिट. मेरी सबसे अनोइंग हैबिट क्या है जो मुझे भी नहीं पसंद है? तुझे नहीं कि हमें नहीं पसंद है? नहीं, मुझे नहीं पसंद, भी नहीं पसंद और हमें तुम्हें भी नहीं पसंद है. मुझे भी नहीं पसंद. 10 seconds तक गिनूंगी. 10, 9 8 लिख दिया. शो लिखना, कुछ भी लिख. रोना. तेरा आंसर? मुझे नहीं पता. अभी तो लिखना, कुछ तो लिख. चिड़चिड़ करना. रोना. यस, मुझे नहीं पसंद है. बहुत छोटी छोटी बातों पे कभी कभी रो देती हूँ और मैं बैठ के समझाती हूँ. तो भाई तू भी रोती है, ठीक है ना? ये भी बहुत रोती है. कितने टाइम से नहीं रोई? बोल. घर पर नहीं आना इसलिए. तो निशा का फर्स्ट पॉइंट हो गया. ये 1 point. नेक्स्ट है टू स्पोर्ट्स दैट आई हैव प्लेड, और जिसमें मैंने नेशनल्स भी, मतलब मैंने स्कूल लेवल पे भी वो खेला है और ऐसे भी खेला है. टू स्पोर्ट्स. टू, हाँ एक नहीं दो. हो गया, जल्दी सोच. एक मेरे को पता है, सबको पता है एक, और एक नहीं पता है. कबड्डी. एक मैंने बताया भी है. वॉलीबॉल. मुझे क्या पूछ रही है? लिखना. बैडमिंटन और वॉलीबॉल. बैडमिंटन. बॉक्स क्रिकेट. दोनों का बैडमिंटन करेक्ट है. सेकंड स्केटिंग है, जो मैंने स्कूल लेवल पे खेला था. मुझे मेडल भी, मैंने बताया था तुम लोग. तुम लोग याद है बोल रहे थे पारुल में स्केटिंग क्लब स्केटिंग का, मैंने बोला था इसे आता है, इसने मैंने बोला था, मैंने बोला था मैंने स्कूल लेवल पे खेला भी और मुझे मेडल भी मिला है. तो इसमें दोनों को हाफ हाफ पॉइंट मिलेगा, क्योंकि तुम लोग अपने पॉइंट लिखते रहो हाफ हाफ. क्योंकि मुझे पता था बैडमिंटन सबको पता है, क्योंकि बैडमिंटन मैंने खेला है, वो इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है. क्या मिलेगा जीतने पे? मुझे क्या पता, क्या सुन, ऐसा थोड़ा ना होता है. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंग्वेजेस आई नो. मुझे कौन सी लैंग्वेज बोलनी आती है, और अगर एक भी गलत हुआ तो कोई भी पॉइंट नहीं. बोलनी या समझ में? कितनी आती है, वे लिख लिए थे, हाथ दर्द हो जाएगा मेरा. तो फिर इनके बाहर जाएगा. हो गया मेरा डन. हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, गुजराती और मराठी. सेम. किसने बोला मुझे तेलुगु आती है? तमिल. मुझे मलयालम आती थी समझ में. दोनों का एक एक गलत है. तो क्या? जीरो. मुझे मलयालम समझ में आती है, तेलुगु मुझे थोड़ी भी नहीं समझ आती है. तेलुगु ही बोला था ना? पर मैंने मलयालम बोला था. हाँ ठीक है, चल आगे बढ़ो. ओके, सो नेक्स्ट है व्हाट आर माय फेवरेट कलर्स. कलर्स शायद तक तेरे नहीं है, मेरे को लग रहा है. फेवरेट कलर्स ब्लैक और व्हाइट. ब्लू और ब्लैक. ब्लू मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है. ये पॉइंट निशा को ब्लैक और व्हाइट, क्योंकि शायद इस पर बात हुई कि हम दोनों को ब्लू ब्लैक और व्हाइट पसंद. तो ब्लू. हाँ समझ गई, ब्लू किसी और का. यू गॉट द पॉइंट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल.
Have I ever gotten an international award? Yes या no? Yes. International? हाँ. Yes. नहीं. Yes, मुझे मिला इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यूसी मास सेकेंड रनर अप आई थी मैं. मैंने दिल्ली में इंटरनेशनल खेला था. सही है. वैभवी का एक पॉइंट. मुझे तो नहीं बताया सोनल. मैंने सबको बताया ये. कब बताया? तुम लोग नहीं ध्यान दिए मेरी बात पे. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है. बोलो. व्हाट इज माय कंफर्ट फूड? कंफर्ट फूड जिसको खा के मुझे सब यही तो खाना था. चिकन. चिकन. और एक दो कंफर्ट फूड है मेरे. आजकल तेरा नया हुआ है ना भुंजिया. लिख मेरे को मत पता ऐसे है ना. हाँ भुंजिया. भुंजिया और रोटी या फिर पूड़ी फूल भी चलेगा. ट्रायंगल वाले को जो तू लेकर आती है फ्रेंच फ्राइज भी बोल सकते हो फिर तुम इसको. फ्रेंच फ्राइज भी पसंद है. तुम लोग लाते नहीं हो तुम लोग के बिहारी में वो जो तू खाती है उसका डब्बा बाहर पड़ा रहता है. भुजिया. भुजिया नहीं वो निमकी. हाँ निमकी. मेरा चिकन और भुजिया. चिकन और निमकी. वड़ा पाव. मैं क्या बोलती हूँ मुझे सिलवासा क्यों आना है. वड़ा पाव खाने की इस पे बात करते हैं. कंफर्ट फूड मेरा वड़ा पाव और चिकन है और फ्रेंच फ्राइज भी है. ठीक है चलो हाफ हाफ पॉइंट दे देती हूँ दोनों को. मेरा कंफर्ट फूड वड़ा पाव चिकन भुजिया भी है. तो कितने होता है. नहीं मेरा बेस्ट कम्फर्ट फूड. रखना ठीक है. अभी चीटर कहेंगे. बोल. Do I prefer coffee or tea during winters? Coffee हमेशा. लिखना क्या इसमें हो गया. Yes correct. मैंने जानबूझ के विंटर डाला था कि इन लोग को थोड़ा सा हो डाउट कि हमेशा वही पीती कॉफी. पी के तो देखो एडिक्शन. Which phone app do you think I use the most? कौन सा ऐप मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ. दो की एक. दो. इंस्टाग्राम और यूट्यूब. सेम. तो जोर से नहीं बोल रहा है ना. मैंने ज्यादा दिन कर देखे. हो गया दोनों को पॉइंट है. इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. बोल. फूड भी हो गया. ओके सो माय जोडियक साइन. हाँ लिख चो. मुझे पता है. मेरा और एक जोडियक साइन है जो कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से. नहीं, नहीं, नहीं मैंने बताया है. हमने जब एस्ट्रो योगी किया था मैंने बताया था. नहीं पता तो गई तुम पूरा रॉन्ग दूंगी. तुम लोग फिर तुम लोग तब तो मैं कॉल पे बिजी थी इस टाइम पे तो मुझे नहीं पता इसके बारे में. गेस करो गेस करो. मेरा एक और जोडियक साइन है जो मैंने तुझे बताया है वैभवी. मैंने यहाँ बोलता है बताया तो मैंने वो मेरा साइन है. गेस करो. मैंने दोनों को बताया. अगर नहीं पता तो मैं तो भाई मार्क्स नहीं दूंगी. पर सोनल गेस करना बहुत इजी है. स्कॉर्पियो. सही है. मेरे को तो हिंदी में पता ही नहीं. इसको पॉइंट मिला. स्कॉर्पियो मैंने बोला था इंग्लिश के हिसाब से मेरा एरिस है और हिंदी क्या है उस शास्त्रों के हिसाब से स्कॉर्पियो. मैं जीत गई बस बात खत्म. ठीक है नेक्स्ट है. अभी बोलना मत आंसर लिखना चुपचाप. What course I was going to pursue in Parul University apart from B-Farm? मैं B-Farm के अलावा यहाँ क्या करना चाहती थी Parul University? याद है. जिसके लिए मैंने इंक्वायरी भी की थी. मुझे नहीं पता ये तो. मैंने बताया तुझे. याद कर. प्रीति के पास में ही है वो कोर्स. इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दे सकती. फूड टेक्नोलॉजी. दोनों में टेक्नोलॉजी और साइंस का डिफरेंस है. मैं वैभवी को पॉइंट दूंगी क्योंकि फूड साइंसेस करना था मुझे टेक्नोलॉजी में तो वैभवी का. हाँ ठीक है जीरो बस. ये अगर तुम दोनों मेरे से बात करते हो तो तुम लोग को अच्छे से पता होगा. कितने क्वेश्चन है. 10 हो गए. ये लास्ट बोनस राउंड है. ठीक है ये जिसने भी बोला उसको 5 मार्क्स मिलेंगे. ठीक है बस लिख देना चुपचाप से. बोल जल्दी बोल. द लास्ट एंड द सेकेंड लास्ट मूवी आई वॉच्ड थिएटर में. अबे यार वो फिल्म का नाम नहीं. आई डोंट नो. लिखो लास्ट मूवी. अभी मैं थोड़े दिन पहले देख के आई हूँ. स्नैप नहीं चल रहा मुझे पता. लास्ट और सेकंड लास्ट मूवी जो मैंने थिएटर में देखी. अभी तो तुम देखी यही है ना. मुझे क्या पता.
इसके पहले मतलब लिखना है। हाँ, इसके पहले मैंने एक मूवी देखी थी उसका मुझे मुझे पता है गई थी वही ना किंगडम, नाम नहीं पता किंगडम, बस इतना लिख सकती हूँ मैं। वो है? नहीं चल लास्ट मूवी ठीक है लास्ट ही बोल दे। तो मुझे बोल दिया मैंने, मैंने दोनों बोल दिया, मैंने दोनों लिख दिया। तेरा गलत है, मैं मिस्टर एंड मिस माही कब देखने गई? वो पांच पॉइंट मुंजिया मैं देखने गई थी। मैंने कब बोला मुझे मिस्टर एंड मिस माही? मैंने 10 बार बोला। तूने सेकंड लास्ट तो बोला ना, मैंने किंगडम तो बोला ना। किंगडम ठीक है वो तो तूने वो देखा था इसके ऊपर, मैंने बाद में बोला लास्ट मूवी। यू आर गिनो गिनो कितने हुए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पांच, एक दो तीन। अल्टीमेट विनर है वैभवी। मैं लास्ट मूवी मुंजिया देखने गई। जान तो लोगों को बताया नहीं, चीटिंग हमने चीटिंग ही कर दी है। याद कर मैंने जब मेरा जब देखा, मैंने बोला था मैं मुंजिया मूवी देखने गई, मेरे को नहीं पता। हॉरर मूवी बोली थी, हॉरर मूवी भी आखिरी कौन सी लगी? ये अपनी हार मुझे तो पता ही नहीं था कि मूवी देखने थे, आपने ही बताया। मैं गई थी, मैंने मुंजिया मूवी देखी थी। सो यस दिस वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। आ रही हूँ मुझे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चीटिंग करते आ रही है लोग, चीटिंग चीटिंग नहीं है, तुझे ध्यान दे। मैं आके याद है मैंने तेरे को फोन किया। पांच मार्क्स के लिए कौन रखता है बोनस? तो क्या सारे बोनस पांच ही हो गए? मुझे याद नहीं रहा क्या? कोई नहीं, क्या कुछ गिफ्ट मिल नहीं रहा है वैसे भी। वैसे भी निशा जी सबका ध्यान रखती है, हमारे सबका मदर। यस, जब भी हम नाराज हो बुरा मान रहे भले हम लोग ना आए पर निशा जी जरूर आती है। तो यस, ये राउंड जीत चुकी है वैभवी। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइज विल एंजॉय दिस, एंड इफ यू डू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को और भी ज्यादा चेकआउट करना। और अभी हम वापस हॉस्टल जाएंगे तो हमारी मस्ती फिर से शुरू होने वाली है, सो वो सब देखने के लिए रेडी रहना। एग्जाम शुरू हो रही है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। हाँ ठीक है, चलो बाय बाय बाय।